वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपको सर्व पितृ अमावस्या के विषय में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जैसे कि इस दिन आप क्या करें जिससे कि आपके पितृगण प्रसन्न होकर के आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करके जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। यह पितरों की विदाई का दिन होता है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह इस बार 17 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को है। सर्व पितृ अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या पितृ अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या कहलाती है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक लौट जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्रों और परिवार को आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार का दिन पितरों के विसर्जन के लिए अति उत्तम दिन माना गया है। इस दिन पितरों को विदा करने से पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की पूजा का दिन माना जाता है। इस कारण सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का विसर्जन विधि और विधान से किया जाना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उनके पितृदेव उनके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्यक्रम उन्हीं घरों में होता है। पितृ अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बिना साबुन लगाए हुए स्नान करना चाहिए और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पितरों के तर्पण के निमित्त सात्विक पकवान बनाए और उनका श्राद्ध कर्म करें। शाम के समय सरसों का तेल के 4 दीपक जलाए, इन्हें घर की चौखट पे रख दे। एक दीपक ले, एक लोटे में जल ले और अब अपने पितरों को याद करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि पितृ पक्ष अब समाप्त हो गया है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में वापस जाए। यह करने के पश्चात जल से भरा लोटा और दीपक को लेकर पीपल की पूजा करने जाए। वहां भगवान विष्णु जी का स्मरण कर पेड़ के नीचे दीपक रखे, जल चढ़ाते हुए पितरों के आशीर्वाद की कामना करें। पितृ विसर्जन विधि के दौरान किसी से भी बात नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए पीपल की वृक्ष में जल डालें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। अमावस्या के दिन लोगों को मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक रहना चाहिए। किसी का इस दिन अपमान नहीं करना चाहिए। मन में इस दिन क्रोध बिल्कुल ही नहीं लाना चाहिए। अपने से छोटों को प्यार और दुलार दे और अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पितृ अमावस्या के दिन चंद्रदेव का स्मरण कर उन्हें जल प्रदान करना चाहिए तो ये भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। पितृ अमावस्या के दिन सुबह सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ जरूर प्रदान करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। सूर्य देव को जल का अर्घ देने का मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप मान भक्त्या ग्रहणा अर्घ दिवाकर।
इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को जल दे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।